क्या वो खाती है वो खाती है मुर्गियों का दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा जी, ये अली पी रहा है जी यहाँ पे कॉफी। अली ने फर्स्ट टाइम आज बनाई है जी कॉफी, और मेरे लिए भी बना के रखी है जी। मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जी। तो मैं साथ साथ पीती हूँ जी अपनी कॉफ़ी, करती हूँ जी इंजॉय, और साथ साथ आपको दिखाती हूँ जी छत का हाल। थोड़ा सा गंदा ही हो गया है, लेकिन अब इसकी जल्द मैं करवाऊँगी जी दोबारा से सफाई। और ये मुर्गी हमारी बेचारी एक मर गई है, ये देखें जी, दिखा दिया जी मैंने, दिखा दिया। यहाँ पे मेडिसिन डाली हुई है इनके पानी में, और ये देखें जी मुर्गियों की कंडीशन। पता नहीं इस दफ़ा क्या हो गया, इतनी मुर्गियाँ लेके आ रहे हैं लेकिन वो मरी जा रही हैं बेचारी। अब इनकी हम कर रहे हैं जी दवाई दारू। तो इसी के साथ जी चले जी आगाज़ करते हैं आज का वीडियो का जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं बड़े से बाद आई हूँ जी छत पर। तो आज मैंने लगाना है जी धनिया। पौधों की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकी काफ़ी दिन से, ये कुछ समझ लीजिए इनकी टाइम ओवर हो गया था, ये एक्सपायर हो गई हुई थी कुछ पहले। तो अब यहाँ पे लगाऊंगी जी सर्दियों के कुछ बीज। जाऊंगी अब मैं एक दो दिन तक अपने हस्बैंड के साथ, और जाकर ना नए बीज लेके आऊंगी। और ये माशाल्लाह से फल उनके हैं पौधों के, जो रेड कलर का रोज़ फ्लावर, पिंक, वाइट, येलो भी है शायद बीच में कोई। और ये देखिए जी करेले की जो है सारी ये एक्सपायर हो गई है, नहीं लगेगी। मैं हर सीज़न में वैसे नहीं लगाती हूँ, माशाल्लाह से येलो मेरा देखें ज़रा मेरा। और ये करी पत्ते का प्लांट है। दिखाती हूँ तो इसके साथ बताती चलूँ, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को करेंगी सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। प्यारा सा कमेंट करना मत भूला करें, ये आपका हमारे लिए प्यार होता है। और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती है। और यहाँ पर बीज देखे जी मैंने सारे लगा दिए धनिया के। अब इसके ऊपर ना मैं सिंपल जो इसकी साइड से मिट्टी है ना वो पकड़ के ना बस ये बीज जो ऊपर से आता होते हैं ना बस उनको कवर करना है कि उनको डायरेक्ट जो है ना जो धूप ना पड़े और जो है ना परिंदे वगैरह वो आ गए, तो ये हमारा बीज काम आएगा। अब ये थोड़ा थोड़ा सा बस मैं ऊपर बोतल की मदद से ना पानी दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और कुतरा ही भी आज घर है, इसने ट्यूशन से छुट्टी की हुई है, इसके कान में हो रही है जी दर्द। और यहाँ पे मैंने सफाई तो मुझे था, इनको जाया नहीं करना बेटा, उनको सबको ना तुम्हें ये ऐसा जैसे एक ताप है
इसमें डाल देंगे। जो खुश्क पत्तियां ना इनकी भी खाद बनती है, मैं इनकी बनाऊंगी खाद, ठीक है। साढ़े एक इकट्ठे करके ना, तो यही जो टप है ना, चाहे इसमें इकट्ठे करके रख दे, ठीक है अली। हाँ बेटे आपके आपके लग जाएगा, आगे आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है मेरी बेटी की ना, इसका गला भी बहुत ज्यादा खराब हुआ है ये बच्चे का, ठीक है अली तुम कर रहे हो। अच्छा आप क्या करोगे प्लांट्स का, वो जो सामने लगे हुए वो उधर ही लगे नहीं नहीं लगे रहने दो। मैं पता क्या कह रही हूँ, तुम ना इतनी मेहनत ना करना, ये जो बीच में सारे पड़े हैं ना फ्लावर्स वाले, ये इस लाइन में लगा दो। अच्छा जब करने होंगे तब कर लेंगे ना, अभी वो मार्च की बात है, ठीक है अली है। अरे एक मिनट इधर देखी, चलो छोड़ दो कुत्ते ने, अभी बैठ अभी छोड़ दो, आपका काम नहीं है, देख लो आप हाथ से पकड़ के सारे पत्ते जाया कर दिए। अली कर रहे हो तुम फिर कर दोगे। तो यहाँ पे जी अब ये जो सूखे पत्ते हैं ना वो मैं उतार रही हूँ कि उनकी मैं खाद बना के तो रखूँगी, पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अली को कहा मैंने कि तुम ऐसा करो गमले साइड पे लगाओ, दरमियान में से सारा खाली करते हैं और मैं कुछ काट लेती हूँ। लेकिन मैंने काटने की कोशिश की तो वो इतनी ज़्यादा क्या थी कांटे मेरे हाथ पर लगी जा रहे थे और ब्लड भी निकल रहा था। अली ने कहा मामा आप छोड़ दो मैं खुद ही कर लेता हूँ। मैंने कहा लगे मैं कर देती, कोशिश मैंने की करने की लेकिन कांटे हाथों पे लग रहे थे। तो फिर माशाल्लाह से मोहम्मद अली ने किया और हमें ये करते करते रात हो गई थी। तो वो जो अगली वीडियो थी वो मैं बना नहीं सकी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो माशाल्लाह से छत सारी क्लीन हो गई थी, तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि छत हमने सारी क्लीन कर दी थी। ये देखे जी मेरे हाथ पे जो कांटा लग गया था बड़ा ज़बरदस्त था। तो अब देखते हैं जी अली आगे क्या क्या कर रहा है। ये प्लांट्स को हम कर रहे हैं जी छोटा जो है ना गुलाब के प्लांट्स, ये बहुत बड़े बड़े हो गए हुए हैं तो इनको काट के ना इनकी समय क्या कहते हैं प्रूनिंग ही मेरे ख्याल से कहते हैं इनकी, वो कर रहे हैं ताकि ये छोटे हो जाए। यहाँ पे देखिए जी हमने एलोवेरा को जो था ना, सारे एलोवेरा के मतलब कि जो एक्स्ट्रा प्लांट थे जो साइड पे जमीन पे गिर रहे थे तो वहाँ से वो उसके सारी डंडियाँ उतार ली थी हमने। और उसके बाद ना यहाँ पे इसका सारा निकाला जी हमने गूदा के जी, चले जी इसका कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, कोई ना कोई रेसिपी बनाएंगे। तो इसके साथ हमने सोप बनाया है, तो जो इसकी दूसरी डंडियाँ पड़ी हैं वो वाली इस गूदे से नहीं, तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं अगले किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। या फिर चले गए जी हम बाज़ार मदली के लिए और एमएस के लिए चले गए। यहाँ पे इस आदमी के साथ हमारा डेट नहीं बना तो फिर हमने कहा चलें आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कहीं और से पसंद आ जाती है जैकेट तो वहाँ से ले लेते हैं। हालांकि वैसे ये भी प्यारी थी हमें पसंद आ गई थी, लेकिन वो आदमी जो था ना पहले इसके पैसे कम मांग रहा था, बाद में इसके पैसे एकदम से ज़्यादा मांगने लग गया। तो हमने कहा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमने ये वाली वापस कर दी। अब आगे चले गए जी हम बाज़ार, यहाँ पे बड़ी माशाल्लाह से बड़ी शॉप है ये। तो अब यहाँ पे अहमद अली की जैकेट पसंद आ गई थी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे की वीडियो, आप यहाँ पर देखें। छोटी मिल जाएगी ये लो भैया बाहर की चेक करो वो शीशा लगा पूरी है
जे तेन पसंद है ना तो मैनु नहीं फर्क पा तेन पसंद है कि ना तू ले सही है हम तो आप बहुत लाना है ब्लैक नहीं हो इस ठीक है ना एक ही लैस ना फिर मैं तो कहना मैं एम एल ओ पसंद आ गया ठीक बनना है चलो ले टोपी भी अच्छी बात है कैप है तो आप लोग कहते हो नहीं चलो किस तरफ आ गाड़ी के पास आ गले में क्या पहना होगा अंदर का दो गाड़ी है नहीं गर्म नहीं अटक रही है ना बंद करो ना चलो पहले सोचना अपनी मर्जी मैं ला रहा ठीक है ना बेटा जी सर हां जी उन्हें पसंद ले ठीक है ना
3000 रुपया सिर्फ, ये वाटर प्रूफ जैकेट दे रहा है, गारंटी के साथ दे रहा है ये। चलो ठीक है, फोन दे रहा था मैं, क्या अमीन दहा दूंगी, ठीक है ना, अमीन दहा दूंगा, पैसे देते रहे। दोनों की जैकेट्स की शॉपिंग हो गई है, बच्चों ने आज कहा था जी हमने अपनी पसंद की शॉपिंग करनी है, तो इसीलिए इनकी पसंद की इनको एक एक जैकेट ले दी है। और अब यहाँ पे जी अहमद को शूज़ लेके देने हैं, सॉरी जोगर्स, तो वो अहमद पसंद के अपने ले रहा है कि अब देखिए जोगर लेता है, शूज़ लेता है, क्या लेता है, तो अब वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। अब यहाँ पे बच्चों को एक एक ट्राउज़र और टी शर्ट लेके दे रहे हैं, गर्म गर्म वाली जो मैं से कह सर्दियों वाली है, तो ये स्टफ़ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैं भाई से कह रही थी मुझे दिखा दें जो साथ पड़ा हुआ है, लेकिन पता चला वो साथ वाली शॉप कहीं और थी, इधर वाली कहीं और थी, तो इधर मैंने पहले मुझे पसंद आई थी, यहाँ पे अभी ब्लैक और रेड, अली ने एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र पसंद कर लिया हुआ है, और ये वाली मुझे टी शर्ट पसंद आ रही थी, लेकिन अली कह था मम्मा ट्राउज़र में तो वाइट कलर की लाइन ही है, तो एक जैसा सूट लगना चाहिए, मैंने कहा चलो जी ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर मुझे पसंद नहीं आई थी, मैंने कहा चले ट्राउज़र इधर से डिसाइड कर लेते हैं, शर्ट टूटने से डिसाइड कर लेंगे। बच्चों के लिए जो जो लेना था वो उनको पसंद आ गया, अली को ये वाली टी शर्ट पसंद आ गई थी, अहमद ने जो भी ब्लैक और ब्लू कलर की पहनी हुई थी उसने वो वाली टी शर्ट ले ली है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।